फ्रेंड्स, आपने देखा होंगे आजकल जो गीजर आ रहे हैं, बजाज का या ओरिएंट का या फिर हैवल्स का, कोई भी गीजर हो सकता है जिसमें टेम्परेचर और नंबरिंग होती है, जिसको टच करने पर आप उसके टेम्परेचर को सेट भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पीसीबी लगी हुई होती है जिससे हम उसका टेम्परेचर चाहे जितना सेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है रोड के लीक होने से या फिर उसके अंदर पानी जाने से, मॉइस्चराइज जाने से वो पीसीबी खराब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी पीसीबी खराब हो जाए तो या तो आप उसको नया चेंज करवाएं। नया चेंज करवाएंगे तो लगभग हमको 1500 से 2000 के बीच में पैसे खर्च करने होंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम इसमें पीसीबी बदलवाएं और हमारा 200 से 300 रुपए में काम हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विदाउट पीसीबी गीजर को कैसे ऑन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास हैवल्स का ये मॉडल है सेंजो, जो कि यहाँ पर इसमें टेम्परेचर शो करता है। इसमें डिस्प्ले भी है एक छोटा सा, और इसके हिसाब से टच डिस्प्ले है जिसको हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो ये पीसीबी आप देख रहे हैं, ये पीसीबी डैमेज हो चुकी है नीचे मॉइस्चराइजिंग से, पानी जाने से। तो ये इसकी कीमत लगभग मार्केट में 1500 से 2000 के बीच में है। तो कस्टमर नहीं चाहते कि हम इसकी पीसीबी चेंज करवाएं, वो ये चाहते हैं बस हमारा तो पानी गर्म हो जाए और हमारा गीजर सही हो जाए। तो मैंने उसको उनको एक आइडिया दिया इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये गैस वाला हीटिंग ऑटोकट है और एक इसमें हमने नॉर्मल ऑटो थर्मोस्टेट लगाया है जो कि नॉर्मल गीजर में आता है। तो यहाँ पर हमने इसमें दो इंडिकेटर लगाए हैं और यहाँ पर ये दो लाल और नीला वायर है, ये हम इस रोड में से आ रहे हैं। और इसमें जो गैस वाला ऑटो कट है उसमें दो न्यूट्रल फेस दोनों बाहर से आ रहे हैं। वो क्या है कि हाई टेम्परेचर होगा, जैसे मान लीजिए हाई के पर ये थर्मोस्टेट हमारा ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा जब गर्म होगा तो ये थर्मोस्टेट है जो गैस वाला है ये कट ऑफ हो जाता है। उस कंडीशन में न्यूट्रल फेस दोनों बंद हो जाते हैं इसके अंदर, मतलब रोड के अंदर करंट जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसके कनेक्शन किए हैं, एक इंडिकेटर को तो मैंने न्यूट्रल फेस में डायरेक्ट लगाया है और एक इंडिकेटर को मैंने रोड की दोनों तारों पर लगाया है। और इसमें जो गैस वाला ऑटो कट है इसमें क्या न्यूट्रल फेस जा रहे हैं और दोनों एक साइड से निकल रहे हैं। और यहाँ पर एक जो नीला वायर है मैंने एक यहाँ से कट करके थर्मोस्टेट में दिया है और दूसरी साइड पिन में से लेकर नीला तार कट गया है और लाल जो तार है डायरेक्ट इसमें लगा हुआ है। सिंपल सा कनेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप ऐसे भी अपने गीजर को ऑन कर सकते हैं जो मैंने इसमें बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर ऑन है और इसको मैंने पैक कर दिया है। पैक करने के बाद आप ध्यान देखें, ये इंडिकेटर भी मैंने इस डिस्प्ले पे लगा दिए ताकि ये भद्दा ना लगे। तो इसमें क्या है कि जैसे ही कट ऑफ होगा तो एक इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा, एक जलता रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने गीजर को ऑन कर सकते हैं मात्र 120 रुपये में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको बताया कि विदाउट पीसीबी के मतलब किस तरीके से आप इस गीजर को ऑन कर सकते हैं। मात्र इसमें हमारा एक तो थर्मोस्टेट लगा है जिसकी कीमत लगभग 100 रुपये है और कम ज़्यादा हो सकती है 10-20 रुपये, लेकिन हमारे मार्केट में आपको ये 100 रुपये का मिलेगा। और इसके अलावा दो इंडिकेटर लगे हैं, दो इंडिकेटर की कीमत हम 20 रुपये लगा सकते हैं। लगभग 120 रुपये का सामान हमें मिला है। जो कनेक्शन इसमें सिंपल होते हैं गीजर के, उसी तरह के कनेक्शन हमने इसमें किए हैं। एक इंडिकेटर मेन लाइट में न्यूट्रल फेस में लगाया है डायरेक्ट, और एक इंडिकेटर हमने रोड पर लगाया है, जो रोड होती है उसके ऊपर लगाए दोनों पॉइंट उसके। जो जैसे ही ऑटो कट होगा रोड वाली जो इंडिकेटर है वो ऑफ हो जाएगी और मेन वाली जलती रहेगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा पानी गर्म हो चुका है, कट ऑफ से एक लाइट ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।